स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, पंजाबी पार्ट टू, भुलक्कड़ काटो। इस पार्ट विच जीव जंतुओं के सुभाव ते कुदरत के नियमों बारे जानकारी प्रदान की गई है। काटो गलहरी अपनी सहेलियां पोरो ते कालो कीड़ी नाल छुपन छुपाई मतलब लुकन मिट्टी खेडती फिरती सी। गलहरी नू काटो का नाम दिता गया। पोरो ते कालो उस दियां दो सहेलियां जो कि उस दे नाल लुकन मिट्टी की गेम खेड रही सन। कदे वह चकानी देख के झाड़ी विच छुप जाती सी ते कदे वह टपूसी मतलब छलांग मार के दरखत ते चढ़ जाती सी। इन्ने नू पूरो ते कालो नू मम्मी की आवाज़ मार दिती। दोवां नू याद आया कि वह अज तां उन्हां दी मम्मी ने कहा सी सर्दियां आउण वालियां ने, राशन पानी इकट्ठा करना है। इस दे विच पूरो ते कालो जो दो कीड़ियां हन उन्हां दा नाम है पूरो ते कालो। दोवां नू याद आया कि उन्हां दी मम्मी ने कहा सी कि आपां सर्दियां आउण वालियां हैं, सर्दियां वास्ते आपां राशन पानी इकट्ठा करके रखना है। उन्हां ने झटपट काटो नू कहा, तैनूं तां सौण दी आदत है, तू तां कई महीनियां तों अपने घरों बाहर ही नहीं आउणा, चल चलीए भोजन इकट्ठा करन, बड़ा मज़ा आएगा ना तैनूं ते जदों नींद खुलेगी, बसंत मतलब बहार आ जा गई होवेगी, फिर तो फूल बूटे किन्ने सोहने लगनगे, है ना काटो, चल छेती कर काटो तू भी चल। पूरो ते कालो ने काटो नू कहा कि तू भी साढ़े नाल चल, आपां सारे रल के राशन पानी इकट्ठा करांगे, जदों बसंत आएगी बहार लगेगी तो उस सारे आसे पासे फुल बूटे खिल जाएंगे, तो इसलिए तू भी साढ़े नाल भोजन इकट्ठा करन वास्ते चल। नैक्सट पेज। ओह तिने भोजन की पाल मतलब तलाश मतलब पाल विच तुर पईआं। पूरो नू कालो नू कोई मुश्किल मतलब औकड़ नहीं सी होई। उन्हां ने एक कणक का दाना मिल गया। दोवें जनियां मिल के उसनू घसीट मतलब खिंच के अपने घर के नेड़े लै आईआं सन। उन्हां दी मम्मी ने जदों दोहां नू आउंदियां तक्या तक्या मतलब देखिया तां उह वी आप बाहर आ गई अते उसने भी दाने नू घर वल घसीटना शुरू कर दिता। उधर काटो गलहरी ने भी भोजन दी पाल विच बीज, अंजीर, पिस्ता, मक्की अते होर पता नहीं किन्ने ही फुल्लां दे बीज इकट्ठे छुपा दित्ते सन। वह बड़ी खुश सी कि सारियां सर्दियां मजे नाल मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी नींद रानी बुक्कल मतलब गोद गोद विच सो के लंघावेगी, अते जदों बसंत आएगी उस दे कोल ढेर मतलब बहुत सारा भोजन होएगा, फिर वह रज रज के खाएगी। पूरो तो कालो नाल ऊच नीच लुकन मिट्टी भी खेडेगी, उसनू किन्ना ज़्यादा मज़ा आएगा। जदों कालो उसनू लभदी रह जाएगी इन्ना सोचा सोचदी ओह काटो नींद रानी की गोदी विच जा पई, उसनू पता ही ना लगा। हुण बसंत आ गई, चारे पासे पंछियां दी मिठी मिठी चहकती गुजार मतलब गूंज सी। कोयल, कबूतर, कां, चिड़ियां सारे ही बसंत दे आगमन मतलब आउना उत्ते खुशी नाल फुटकदे फिरदे सन। जदों हुण बसंत दी रुस्त आ गई, सारे पासे पंछियां दी मिठी मिठी आवाज़ आन लगी अते सारे कई तरह दे पंछी जिवें कि कोयल, कबूतर, कां, चिड़ियां सारे बसंत दे आउण दी खुशी विच इधर उधर उड़दे फिरदे सन। हुण कालो ते पूरो भी उसनू खेडण लई घर बुलाउण लई आ गईआं। ओह कूक सुत्ती पई सी। जदों कालो ते पूरो काटो नू बुलाउण आईआं तां काटो अपनी गूढ़ी नींद विच घर विच सुत्ती पई सी। दोहां ने उसनू कुत्तकताड़ियां कढ के जगाया। जदों काटो ने अखां खोलियां तां उसनू बड़े जोरां दी भुख लगी ते ओह झटपट उठ के ओह पूरो ते कालो नाल बाहर आई ते अपना भोजन लभण लग गई। उसनू याद नहीं सी आ रिहा कि पिस्ता, अखरोट, फुल्लां दे बीज, मक्की, बेर अते होर पता नहीं अनगिनत जिस दी कोई गिनती ना हो सके बीज उसने किथे लुका के रखे हन। ओह लभदी लभदी थक गई। कारो ते पूरो भी उसदे नाल सन।
ਉਸਨੇ ਕਾਟੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਗ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਾਟੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਪਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਾਟੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਲੋ ਨੇ ਪੂਰੋ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖ ਕਾਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਭੁਲੱਕੜ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਭੁਲੱਕੜ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਮੱਕੀ ਪਿਸਤਾ ਬੇਰ ਵੀ ਦਬਾਏ ਸਨ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਟੋ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਪਏ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।